जो सांसद मनोज तिवारी है वो धीरेन्द्र शास्त्री का ड्राइवर बन गया। सबसे पहले तो जनता पूछे सवाल कि तुझे सांसद बनाया था या ड्राइवर बनाया था। देखिए मूर्खों की कमी नहीं है, ठीक है। अगर जो है 100 जाग जाएंगे तो जो है लाखों जो है मूर्ख फिर आ जाएंगे। तो क्योंकि टीवी हमारे कब्जे में है, मीडिया हमारे कब्जे में है, टेक्नोलॉजी को साइंस को तो यूज करो तुम, और सामने वाली महिला को बिठा के पढ़ा रहे हैं सीताराम हनुमान। अरे सीताराम हनुमान के और उड़ जाना कहीं भी। अरे वो कोई फूक मारने से, अब यहाँ पे आ जाओ ना, फूक मार दो, ब्रिजभूषण को पकड़वा दो। ये पहलवान इतने सालों से, इतने दिनों से धरने पे बैठे हैं, 3 महीने पहले भी धरने पे बैठे थे। अरे आ जाओ ना धीरेन्द्र शास्त्री, मारना कोई सा मंत्र, ब्रिजभूषण को कर दे जेल के सलाखों के पीछे। क्यों ये संविधान का रास्ता पकड़े हुई है? क्योंकि संविधान से ही सब कुछ चीजें मिलनी है, तो करे ना प्रूव यहाँ पे आके। अभी कर्नाटका में बजरंग बली का बटन दबाओ मोदी जी बोले थे, बजरंग बली का बटन दबाओ और सत्ता पाओ, लेकिन वो बजरंग बली का बटन दबा और सत्ता नहीं आई। तो यानी बजरंग बली के नाम से सत्ता नहीं आती, काम करने से सत्ता आती है, जनता से जुड़ने से सत्ता आती है, जनता के बातों को मुद्दों को रखने से सत्ता आती है। सिर्फ राम नाम जपने से या हनुमान नाम जपने से सत्ता नहीं आती है। तो मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी से अपील करूंगी कि नीतीश जी, पिछड़ा वर्ग, एससी वर्ग आपसे, आपको निगाह भरी दृष्टि से देख रहा है कि आप भी इस देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, लेकिन आपको ये जो हिंदू राष्ट्र का सपना दिखाते हुए ये जो चोर लुटेरे फिर रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी को बिहार से भगा देना चाहिए था कि भाई शास्त्री जी पहले जो है अपने प्रदेश को जो है पहले पूरा गुण जो है ना राम मुक्त राम में कर लो, हनुमान में कर लो। तुझे जो है ना उनकी उनमें धीरेन्द्र शास्त्री में श्रद्धा रखते हैं वो। देखिए धीरेन्द्र शास्त्री में अगर वो श्रद्धा रखते हैं तो एक चमत्कार मुझे करके दिखा दे कि धीरेन्द्र शास्त्री गाड़ी छोड़ दे, हवाई जहाज छोड़ दे और अपनी बातों को उड़ के जाए अपने विमान में, और फिर जो है ना जनता को जो है अपना करिश्मा दिखाए। अगर वो टेक्नोलॉजी, देखिए गाड़ी छोड़ दो, हवाई जहाज छोड़ दो और आप जो है माइक छोड़ दो और फिर अपनी आवाज को जनता तक ले जाओ, तो मैं भी आ जाऊंगी उनके सत्संग में। तो भीड़ देखो ना, उसका भी तो देखो ना, भीड़ तो देखिए ऐसा है, भीड़ तो बीच में रोकनी पड़ गई, इतनी भीड़ आ गई। देखिए भीड़ तो जो है प्रोपेगेंडा ऐसा चला हुआ है, हर घर में टीवी है और महिलाएं देख रही है कि भाई सारा दिन जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय माता की, तो उन्हें भी लगता है कि इसी तरीके से नाम अलापते अलापते मेरे भी सारे दुख दूर हो जाएंगे, चाहे मैं बेटे को पढ़ाऊं, बेटी को पढ़ाऊं ना पढ़ाऊं, लेकिन अगर हम व्रत रखेंगे, अगर हम जो है सत्संग में जाएंगे तो मैं किसी को मार भी दूंगी तो मेरे पाप दूर हो जाएंगे। पास हो रहे हैं लोग। खाटू श्याम का नाम दीजिए, पाप कितने भी करो और खाटू श्याम के दर्शन कराओ, सारे पाप धुल गए और फिर नए पाप करने के लिए तैयार हो जाओ। बताओ क्या है, आपको बताइए, वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो उससे समस्या क्या है? देखिए संविधान में लिखा हुआ है भारत जो है इंडिया दैट इज भारत, ठीक है। ये हिंदू राष्ट्र जिन्हें बनाना है वो अपने पहले एक गाँव को बना के दिखा दे, ठीक है। बेकार में जनता को बहकाना फुसलाना, और मैं नीतीश जी से कहूंगी कि हमें आपसे ये वो थी कि जैसे लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी का रथ रोका था, जब मंडल का कमंडल बनाया था आडवाणी का रथ रोका था, उसी प्रकार से इस धीरेन्द्र शास्त्री को भी बिहार में घुसने नहीं देना चाहिए था। इसने सबके मन पर नसाई नहीं होगी। देखिए अगर मैं, देखिए ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी भी महिला को छेड़ दूं या किसी पुरुष को थप्पड़ मार दूं, अपनी हदों में रहना पड़ेगा। अगर आप जनता को अंधविश्वासी बना रहे हो, पाखंडवादी बना रहे हो, ये सबसे बड़ा रोग है। ये मानसिक गुलाम भारत, ये जो है 90% लोग जो है बेरोजगारी में और जो है अशिक्षित हुए जा रहे हैं, सनातन का प्रचार कर रहे हैं, वो धर्म को मजबूत कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? तो आप भी जो है ना, ये क्यों आप माइक उठाए हुए हैं? आप भी श्री राम करने लग जाओ, आपका पेट भर जाएगा क्या? पेट नहीं भरेगा तो हम दूसरे को क्यों कह रहे हैं कि भाई तू भी नाम राम नाम की माला जपता रहे? अगर पेट भरता हो तो हम जप लेंगे, नहीं पेट भर रहा, नहीं मुझे शिक्षा आ रही, वो बच्चे जाते हैं मंदिर में एक टीका लगाते हैं, एक कथा में कई हजार लोगों को रोजगार मिलता है। देखिए धीरेन्द्र शास्त्री तो खुद कह रहा था जैसे चाहेंगे वैसे बेका लेंगे,
तो इसीलिए महिलाएं आ जाती हैं या हमारे जो है पुरुष आ जाते हैं मीडिया को देख के, टीवी को देख के, क्योंकि मनुवादी मीडिया है जो सिर्फ धर्म की राजनीति करती है, जिसे बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं है, जिसे ओबीसी की जातिगत जनगणना, देखिए ओबीसी एससी एसटी की जातिगत जनगणना, इस देश में जानवरों की गिनती हो सकती है लेकिन आदमियों की गिनती नहीं हो सकती। जब ये हमारी गिनती नहीं कराना चाहते तो हमारे डाटा को कहाँ दिखाएंगे कि मैं सरकारी नौकरी में कितनी हूँ, मेरे पास सरकारी ठेके कितने हैं, मेरे पास जो है प्रशासन में मेरे कितने लोग हैं, शासन में मेरे कितने लोग हैं, जंगल और जमीन मुझसे कितनी छिन गई है, बताओ। हमारे ऐसी समाज को के पास रहने को घर नहीं है, क्या हमें उन्हें जमीनें नहीं देनी चाहिए पंचायती? बात बताइए, जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव टोपी लगा के इफ्तार पार्टी करने जाते हैं आपको जब दिक्कत नहीं होती है, जब आप नहीं बोलती हैं? उन्होंने गाड़ी चला ली उनकी, उनको छोड़ा है। मुझे जो है मैंने क्या कहा, सीधा नीतीश जी से अपील की है कि आपको धीरेन्द्र शास्त्री जी से भगा देना चाहिए था कि पाखंड और अंधविश्वास इस देश में पहले ही बहुत है। मैं अपने राज्य में नालंदा तक्षशिला, ये जो है शिक्षा वाला क्षेत्र है, यहाँ पे पाखंडवाद और अंधविश्वास नहीं घुसने दूंगा। वो एक साहसी कदम उन्हें उठाना चाहिए या उन्हें एक काम और करना चाहिए कि बैन कर दो कि अब तो हो गया, लेकिन अब मैं धीरेन्द्र शास्त्री को बिहार में घुसने नहीं दूंगा। तब भी हम कहेंगे कि हमारी जो है शिक्षा पर आँच नहीं आएगी, नहीं तो अंधविश्वास है। वो तो ये भी कह रहे हैं ना कि जिनको पाखंडी लगता है हम बुलाने तो नहीं जा रहे आपको, लोग भी जो है लोग समर्थन देने आ रहे हैं, वो बुलाने ही नहीं किसी को। देखिए मैंने क्या कहा है, कमी हमारी भी है कि हम अपनी महिलाओं को सामाजिक मीटिंग में, राजनीतिक मीटिंग में नहीं बुलाते हैं। हमारा जो शूद्रों से भी बुरा हाल है वो महिलाओं का हाल है, हमारे पुरुष का इसमें पूरी भागीदारी है, वो आके जो है उस पर रौब झाड़ता है, प्यार से नहीं बोलता है और ये बाबा मीठी मीठी बातें करते हैं, फ्री में लंगर चलता है, इसी वजह से हमारी महिलाएं सोचती है चलो कहीं कहीं पर जाके तो हमें डांट ना मिले, इसीलिए महिलाएं यहाँ पर जाती है। और टीवी में जिस तरीके से दिखाते हैं कि ये व्रत करने से आपको लक्ष्मी का व्रत करोगे तो धन मिलेगा, सरस्वती की पूजा करोगे तो शिक्षा मिलेगी, और शिव जी उसकी सोमवार की पूजा करोगे तो पति अच्छा मिलेगा, तो ये सब चीजें जो है लगातार टीवी दिखा रहा है, तो महिलाएं तो फिर जो है जाती है कि चलो मेरा भी कुछ उद्धार हो जाएगा। बना देंगे वो आपका, हाँ जी भविष्य बना देंगे, पर्चा बना देंगे, पर्ची। देखिए पर्चा तो देखिए बना दें हमारा पर्चा, मेरे देश की शिक्षा, मेरे बच्चे के रोजगार और मेरी महिलाओं का, कि छोटे छोटे आदमियों के पैरों में ये गिरी होती है, है? मंदिर में के अंदर जो बैठा हुआ है उसके चरण छूती है। हिंदुओं के खिलाफ क्यों रहती है, फूंक भी तो मारते हैं बोतल में, उनके खिलाफ तो कभी नहीं बोलते हैं आप लोग। देखिए मैं हर पाखंडी के खिलाफ हूँ, मैंने तो ना हिंदू का ना मुसलमान का, जो भी पाखंडी है मैं उसके खिलाफ हूँ। मंदिर गए थे कल? देखिए ये अगर मंदिर गए थे तो फिर ये रास्ता छोड़ दें, फिर मंदिर में ही चले जाए। देखिए ना मैं कलमा पढ़ने को कह रही, अपने बच्चों को पढ़ाओ साइंस मैथ्स टेक्नोलॉजी सिखाओ, हर घर में रोजगार होना चाहिए, लघु उद्योग होना चाहिए और सम्मान के साथ 50% राजनीति में महिलाओं को लेके आओ। सामाजिक मीटिंग लगातार चलनी चाहिए, राजनीतिक मीटिंग अलग हमेशा चलनी चाहिए। मैम आपने देखा कि बजरंग पुनिया ने बजरंग दल का पोस्टर शेयर किया हुआ था इंस्टाग्राम पे, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए ये जो है ना भटकाने वाले काम है, ठीक है, जिसकी वजह से दोनों हाथों में लड्डू है, भटकाने वाले काम है, ऐसी छिछोरी राजनीति से जो है मैं कहूँगी कि बजरंग पुनिया जी को बचना चाहिए, नहीं तो देखिए महिलाओं की संख्या घट रही है यहाँ पर, बढ़ नहीं रही है, तो ये वो कारण है। तो ये सोचते हैं कि भाई आज हम जो है ना इनके साथ लग जाते हैं मनुवादियों के साथ तो हमें जो है सत्ता मिल जाएगी, अरे मिली तो पहले भी हुई थी, आज धराशाही क्यों हो रहे हो तुम लोग? वो समझना पड़ेगा कारण उसका, पहले कारण समझो फिर निवारण करो। जिसने वोट देनी है उसका तो तुम गुहाना कांड, मिर्चपुर कांड, लारा कांड करवाओ, ठीक है, और जो तुम्हें जो है मात दे रहा है पैरों के नीचे कर रहा है शूद्र, तो ये भी है, बताओ कौन सा पहलवान शूद्र ना बैठा हो? प्रचार करना तो संवैधानिक अधिकार है, धर्म का प्रचार ही तो कर रहे हो, कोई गुनाह थोड़ी ना कर रहे हैं। देखिए अगर धर्म का प्रचार कर रहे हैं बजरंगबली को